किसी किस्म की मुद्दा। जहां मैंडेट चोरी हो जाए वहां अवाम सड़कों पर आ जाते हैं। 14 अगस्त को अवाम को हकीकी आज़ादी दिलाएंगे, बादशाहत खत्म हो जाएगी और हकीकी जमहूरियत आ जाएगी। ये कहना था तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान का, जो सवात के इलाके मट्टा में तरक्याती मंसूबे के इफ्तिताह के बाद खिताब कर रहे थे। कप्तान ने मौजूदा हुक्मरानों पर लफ्जी बमबारी करते हुए कहा, हमारे बुजुर्गों ने फरंगियों से मुल्क आजाद कराया मगर हमसे आजादी छीन ली गई। मुल्क में अमीर और गरीब के लिए अलग कानून है। नवाज शरीफ की तरफ तोपों का रुख करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान नीचे और बादशाह सलामत ऊपर जा रहे हैं। हमने 14 को इस मुल्क को हकीकी आजादी दिलवानी है, इसलिए कि जुल्म और नाइंसाफी का निजाम है, कमजोर के लिए कानून, ताकतवर के लिए दूसरा कानून। तहरीक इंसाफ के सरबरा खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत की कारकर्दगी गिनवाते हुए बोले कि केपीके पुलिस का मयार पूरे मुल्क से बेहतर है। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली बहरान को हल करने के लिए आइंदा 18 माह में 256 छोटे बिजली घर लगाएंगे। जुल्म की इंतहा है कि पख्तूनख्वा से यहाँ बिजली निकले, यहाँ से सस्ती बिजली 8 रुपए की बिजली दे और वापस वो जाए सेंटर में और वापस इनको दुगनी कीमत पर बिजली वापस आ जाए। इमरान खान ने इस अजम का इजहार भी किया कि केपीके में टिम्बर माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।